Hello guys and welcome to Sunshine Studies. I am Anubhav Chaudhary and today we are going to study accountancy. So today I am going to teach the topic Introduction to Journal Entries. First let me tell you what is journal entry. A journal entry is an account book in the process of a double entry accounting in which is prepared first. So it is known as primary book of accounting. ये एक journal entry एक ऐसा book है जो एक double entry accounting process में सबसे पहले उसको record किया जाता है. तो वो होता है introduction. So ये होता है journal entry. Okay. अगर आपको इस बारे में डिटेल में जानना है तो विजिट कीजिए हमारा वेबसाइट www.sunshinestudies.org. तो इस सेशन में आपको पता चलेगा कि जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट क्या है, जर्नल एंट्रीज कैसे बनाते हैं और उसके बारे में सब कुछ आपको जानने को मिलेगा. तो लेट्स गेट इनटू इट. तो इससे पहले कि मैं आपको जर्नल एंट्रीज के बारे में बताऊं, आपको सबसे पहले गोल्डन रूल्स जान लेना चाहिए. गोल्डन रूल्स है, सबसे पहले है पर्सनल अकाउंट. इन पर्सनल अकाउंट इट सेज डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. डेबिट द रिसीवर मतलब मान लीजिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में किसी एम्प्लॉय को आप सैलरी दे रहे हैं और क्रेडिट द गिवर. किसी एम्प्लॉय को आप सैलरी दे रहे हैं तो एम्प्लॉय हो गया रिसीवर और गिवर हो गए जो जो उसका ओनर है वो गिवर हो गए. डेबिट द रिसीवर मतलब ऐसा दे रहे हैं. डेबिट का मतलब है किसी को देना, सिंपली क्रेडिट का मतलब है लेना. ओके तो डेबिट द रिसीवर, तो ये डेबिट द रिसीवर मतलब रिसीवर को हम एक इंसान को दे रहे हैं. तो एम्प्लॉय हो गया एक रिसीवर जो कि हमसे पैसा ले रहा है और क्रेडिट द गिवर दे कौन रहा है, बिजनेस ओनर. तो बिजनेस ओनर हो गया गिवर और एम्प्लॉय हो गया रिसीवर. क्लियर. सो नेक्स्ट इज रियल अकाउंट. रियल अकाउंट में कहा गया है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. डेबिट मतलब आपको दो चीज में समझाता हूं मैं. एक हो गया एक्सपेंस. एक्सपेंस अकाउंट में क्या होता है, आप कुछ खरीद रहे हैं तो आपको कुछ पैसा दे रहे हैं, तो आप उसको कुछ पैसा दे रहे हैं जिससे आप खरीद रहे हैं. तो जिससे आप खरीद रहे हैं वो आपको वो प्रोडक्ट दे रहा है. जैसे आप मान लीजिए आपको दुकान के लिए आप एसी खरीद रहे हैं. ओके तो आप एसी जब एसी खरीद रहे हैं और पैसा दे रहे हैं तो डेबिट व्हाट कम्स इन मतलब आपके पास आ रहा है एसी तो वो आ जाएगा इस कैटेगरी में डेबिट व्हाट कम्स इन, और आप पैसा दे रहे हैं सो इसमें आ जाता है क्रेडिट व्हाट गोस आउट. ओके अब आपको समझाता हूं इनकम के केस में. इनकम के केस में आप कुछ बेच रहे हैं सामान, किराना सामान अपने कस्टमर्स को और कस्टमर्स आपको पैसा दे रहे हैं तो आपके अंदर से क्या जा रहा है, किराना सामान जा रहा है और पैसा आ रहा है. तो पैसा आ रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन में पैसा आया है और क्रेडिट व्हाट गोज आउट मतलब आपके दुकान से किराना सामान जा रहा है. सिंपल सा बात है, जो आपके यहां से जा रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन से बाहर वो क्रेडिट व्हाट गोज आउट एंड आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो आ रहा है वो डेबिट व्हाट कम्स इन, सिंपल सा बात. नेक्स्ट आपका आ गया नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस जैसे कि यहां फिर से आ जाता है, आप किस आप टेलीफोन बिल पे कर रहे हैं या फिर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं तो आप जो इलेक्ट्रिसिटी बिल और टेलीफोन बिल पे कर रहे हैं वो हो गया आपका एक्सपेंस.
आप उसमें पैसा दे रहे हैं तो वो आप एक्सपेंस मतलब होता है खर्चा, एक्सपेंस आप उसको आपका खर्चा है, सो वो इस कैटेगरी में आएगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एंड आप वो फर्स्ट में आपका जो सैलरी का बात कहा गया था वो सैलरी भी इसमें आता है, आप जब किसी को सैलरी पे कर रहे हैं तो वो ज्ञात एक्सपेंस में ही जाता है। एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, इनकम्स मतलब आप कुछ सामान बेच रहे हैं तो आपको पैसा मिल रहा है, तो वो हो गया आपका क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ओके सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये हो गया आपका कुछ एग्जांपल्स आपके इन तीनों जो आपको टर्म्स मैंने बताए, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में आ गया आपका, सपोज आपने किसी इंडिविजुअल को सामान बेचा है, तो वो इंडिविजुअल को अगर आपने सामान बेचा है तो वो हो गया आपका, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है उसमें डेबिट कौन होगा रिसीवर कौन होगा। तो उसमें ये सब आपका एग्जाम्पल्स है, इसको आप नोट कर लीजिए। पर्सनल अकाउंट में आपका कुछ कोई भी नाम या फिर किसी कंपनी के साथ डील कर रहे हैं, रोहित आपका कोई भी नाम ले लीजिए आपका, फिर क्विक से ऑर्गेनाइजेशन का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में आप आगे के मॉड्यूल्स में आप जब पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। रियल अकाउंट में आप कैश, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, ये सब आप ले सकते हैं, डिपेंड करता है आप उस चीज को बेच रहे हैं या सेल कर रहे हैं। नॉमिनल अकाउंट में आपका सैलरी, वेज, परचेज, सेल्स, ये सब आपका नॉमिनल अकाउंट में जा रहा है। आप उस अगर उस चीज को तो आप दे रहे हैं या फिर आप क्या मिल सैलरी वेज ये सब तो आप पेमेंट करते हैं तो वो सब एक्सपेंस हो गया। सेल्स, सेल्स आप जब कोई चीज बेच रहे हैं तो वो चीज आपके पास आया। याद रखिएगा आपको हमेशा गोल्डन रूल को, ये जो आपको फिर से उस स्लाइड में ले चलता हूँ, ये गोल्डन रूल को हमेशा आपको याद रखना। अगर आपको अकाउंट जर्नल एंट्रीज अच्छे से बनाना है, आपको बनाना है तो आपको हमेशा अपने माइंड माइंड में गोल्डन रूल्स को हमेशा याद रखना होगा। अगर आप गोल्डन रूल्स को याद रखेंगे तभी जाकर आप जर्नल एंट्रीज को कर पाएंगे। ओके सो लेट्स मूव अहेड। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था डेफिनेशन, जर्नल एंट्री इज अ प्राइमरी बुक ऑफ रिकॉर्डिंग व्हिच शोज व्हिच अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड व्हिच अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। जर्नल एंट्रीज मतलब जर्नल एंट्री बुक कीपिंग का एक सबसे पहला प्रोसेस है जो ये बताता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन से क्या गया और क्या आया। हमने कोई परचेज किया तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में से पैसा गया, हमने कोई सेल किया तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में पैसा आया। सिंपल सा बात है, वही सब चीज जर्नल एंट्रीज में बताता है और वो सब डबल एंट्री बुक कीपिंग का सबसे पहला मेथड है। तो प्राइमरी, इसलिए उसको प्राइमरी बुक ऑफ रिकॉर्डिंग भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट स्लाइड, ये हो गया आपका फॉर्मेट जर्नल एंट्रीज का। डेट, डेट में आप बताते हैं कि किस डेट में किस तारीख ने आपने परचेज किया, किस तारीख ने आपने सेल किया, किस तारीख में कौन सा चीज डेबिट हुआ, कौन सा क्रेडिट हुआ, वो डेट सब आप यहाँ मेंशन करते हैं। पर्टिकुलर्स में आप ये मेंशन करते हैं कि आपका अकाउंट्स क्या है, आपने क्या सेल किया, क्या परचेज किया, क्या आपका लायबिलिटी क्या आया, आपका एक्सपेंस क्या हुआ, आपका इनकम क्या हुआ, जितना भी अकाउंट्स है सारा आप पर्टिकुलर्स में सब कुछ मेंशन किया है। लेजर फोलियो, लेजर फोलियो आपको जानने को मिलेगा जब आप लेजर करेंगे, जब आप लेजर पढ़ेंगे ना तब आपको लेजर फोलियो के बारे में डिटेल में जानने को मिलेगा। तो अब ये इसको यही रहने देते हैं। डेबिट अकाउंट, डेबिट अकाउंट मतलब हमसे जो गया वो चीज यहाँ यहाँ बताया जाता है। क्रेडिट अकाउंट मतलब हमसे जो हमारे पास जो आया वो चीज मतलब यहाँ रिकॉर्ड किया जाता है। तो लेट्स मूव अहेड। ये हो गया आपका कुछ अकाउंट्स जिसको आपको याद रखना होगा, कुछ बेसिक जर्नल एंट्रीज है। आपको अगर इस जर्नल एंट्रीज के बारे में डिटेल में जानना है तो विजिट कीजिए हमारा वेबसाइट www.sunshinestudies.org, वहां आपको डिटेल में सारे जर्नल एंट्रीज आपको बता दिया जाएगा। तो ये हमारा जर्नल एंट्रीज है जो जिसमें अगर अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका जर्नल एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, और नीचे लिखा गया है बींग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश।
आपको कुछ बता देना चाहता हूं, ये जो आपका डेबिटर है आपको हमेशा याद रखना है कि सबसे पहले, या कैश अकाउंट हो या परचेज अकाउंट हो, सबसे पहले जो डेबिट अमाउंट है, जो डेबिट अकाउंट है, उसके आगे आपको डेबिट लिखना है इसी फॉर्मेट। आप डेबिट को यहां मत लिख दीजिएगा, आप डेबिट को हमेशा पहले लिखिए। और ये जो आपका ब्रैकेट में आप लिखा गया बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये आपका नरेशन, नरेशन बोलते हैं इसको। इसमें आप लिखते हैं कि क्या एक्चुअली वो अकाउंट में क्या हुआ, परचेज हुआ, सेल हुआ, उसको आप एक सेंटेंस में लिखते हैं। ओके तो वैसे ही व्हेन स्टार्टेड, इस सब को करने के लिए आपको गोल्डन रूल हमेशा याद रखना, व्हेन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। ओके तो गुड्स परचेस्ड, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ये देखिए, ये आपका नॉमिनल अकाउंट हो गया, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। इसमें देखिए, उसमें कहा गया था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो देखिए, परचेज हम जब किए तो हमारा खर्चा हो रहा है, तो परचेज को यहां पर डेबिट साइड में लिखा गया है, तो वही हुआ एक्सपेंस अकाउंट, मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ये आपका हुआ परचेज, परचेजेस अकाउंट, तो इसलिए हमने डेबिट साइड में लिखा। गुड सोल्ड, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। देखिए, उसमें फिर ये फिर से आपका नॉमिनल अकाउंट में जा रहा है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में कहा गया था क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो सेल्स करने से हमारा इनकम हो रहा है, तो हमने सेल अकाउंट, सेल्स को क्रेडिट साइड में लिखा है, टू सेल्स अकाउंट। कैश हो गया डेबिट साइड में आपने हमने लिखा है, और सेल्स हो गया टू सेल्स अकाउंट। टू लिखकर हम जो लिखते हैं ना, वो क्रेडिट होता है, और जो उसके ऊपर जो लिखते हैं साइड में, वो कैश होता है। सिमिलरली व्हेन विड्रॉन मनी फॉर पर्सनल यूज, अगर हम कोई उधारी ले रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन से हमारे पर्सनल यूज के लिए, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश। टेलीफोन बिल पेड, ये एक एक्सपेंस हो गया अभी, टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ओके तो टेलीफोन बिल को हमने डेबिट किया है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कैश डिपॉजिट इन टू बैंक, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ओके तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ, जिसमें आप इन चीजों को क्लियरली समझ पाएंगे। तो हियर इज एन एग्जाम्पल, यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज ऑफ वेदांत लिमिटेड। 1st January स्टार्टेड बिजनेस विद ₹1 lakh, 5th January कैश डिपॉजिटेड इन टू बैंक ₹40,000, 6th January मशीनरी परचेज फॉर ₹60,000, 8th January सोल्ड गुड्स फॉर ₹70,000। ऐसे आपको ये अकाउंट्स, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। जब भी एग्जाम में आपको जर्नल एंट्रीज बनाने का कोई क्वेश्चन आएगा, तो ठीक इसी तरह से आपको डेट दिया गया होगा, और आपको उस क्वेश्चन को देखकर आपको उस चीज को बनाना होगा। ठीक है, तो इसको करते हैं। कैश, सो 1st January कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, बिंग बिजनेस स्टार्टेड विथ ₹1 lakh। इसमें देखिए, मैंने जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करेगा, तो आप वही लिखेगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। ओके नेक्स्ट है, कैश जब कोई डिपॉजिट करता है बैंक में, तो बाय मिस्टेक यहाँ मैंने टू बैंक अकाउंट लिख दिया है, वो एक्चुअली टू कैश अकाउंट है, सॉरी फॉर द मिस्टेक, आप इसको सुधार लीजिएगा। बैंक अकाउंट डेबिटेड फॉर प्रिंटिंग मिस्टेक, ऐसा कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, प्लीज सॉरी फॉर दैट। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, जब आप कैश बैंक में डिपॉजिट करेंगे, तो वो होगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और कैश अकाउंट क्रेडिट साइड में आप लिखिएगा। ओके मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, इसमें देखिए, इसमें रियल अकाउंट और ये नॉमिनल अकाउंट का बात भी कहा गया है। नॉमिनल अकाउंट में देखिए, आपने मशीनरी को आपने बेचा है, तो वो एक्सपेंस में आ गया आपका, तो इसलिए मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर दिया गया।
कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अभी इनकम हो गया नॉमिनल अकाउंट में, तो वो चीज देखिए टू सेल्स अकाउंट, उसको क्रेडिट साइड में शिफ्ट कर दिया गया। परचेज अकाउंट डेबिटेड टू राकेश अकाउंट, देखिए इसमें आप याद रखिएगा कि जब आपके क्वेश्चन में कोई नाम दिया होगा, देखिए मशीनरी अकाउंट टू कैश अकाउंट मैंने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया है कि हम किस इंसान को हमने मशीनरी भेजा है, इसलिए हमने टू कैश अकाउंट को वहां लगा दिया। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि परचेज अकाउंट डेबिटेड टू राकेश अकाउंट, यहाँ जो हमने लिखा है इसमें कहा गया है कि बिंग, इसमें हमने क्वेश्चन में दिया गया है गुड सोल्ड टू राकेश बोल, तो आप यहाँ पर याद रखिएगा जब भी कोई नाम दिया होगा किसी को हमने बेचा है या फिर सेल किया है, तो कैश की जगह आपको कुछ नहीं करना है, बस जहां पर आप कैश लिखते हैं ना कैश की जगह बस उसका नाम लिख दीजिएगा, बस सिंपल सा बात, कैश की जगह उनका नाम लिख दीजिएगा। यहाँ अगर राकेश को हमने सेल किया है बोल के अगर नहीं लिखा गया होता तब ऑब्वियसली हम टू कैश अकाउंट लिख देते, लेकिन यहाँ पर राकेश को हमने सेल किया है ये चीज मेंशन किया गया है, इसलिए परचेज अकाउंट डेबिटेड टू राकेश अकाउंट हमने लिखा, सिंपल सा। ओके, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक बिल्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ये एक्सपेंस हो गया हमारा इसलिए हमने इलेक्ट्रिक बिल को डेबिट कर दिया है ऑब्वियसली। सागर अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, देखिए मैंने कहा था चाहे परचेज हो या सेल हो, हमने अगर किसी पर्टिकुलर इंसान को बेचा है या फिर उससे खरीदा है और उस इंसान का नाम लिखा गया है वहां क्वेश्चन में, तो आप बस आपको क्या करना है जहां पर आप कैश लिखते हैं ना कैश अकाउंट, उस कैश अकाउंट की जगह बस उस इंसान का नाम लिख देना है, बस नथिंग एल्स। अगर यहाँ पर सागर का नाम नहीं दिया गया है बता, तो वहां पर हम कैश अकाउंट लगाते हैं, लेकिन सागर का नाम दिया गया है तो यहाँ पर इसलिए हमने लगाया सागर अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। लास्ट इज टेलीफोन बिल, आप तो जानते हैं ये एक्सपेंस है इसलिए हमने डेबिट किया टेलीफोन बिल्स को, टेलीफोन बिल्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश, बिंग टेलीफोन बिल पेड फॉर ₹5,000। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर सेशन, आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द वीडियो एंड मेक श्योर टू क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट ऑल द अपडेट्स अबाउट आवर वीडियोस। इफ यू वॉन्ट टू नो दिस टॉपिक्स इन डिटेल्स विजिट द वेबसाइट www.sunshinestudies.org एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक subscribe, share and comment. Thank you.